मेरे लिए इतना ही दर्द है कि जैसे मेरा अपना बच्चा अगवा हो अग्रीट किसी की बेटी अगवा हो मेरे लिए दर्द है मेरी अपनी बहन अगवा हुई है हमें सोचना पड़ेगा ना मैं तो रमज़ान में सैरी करा रहा था वहाँ पर एक फैमिली आई रोती हुई हमारी बच्ची हमारी बच्ची हमारी बच्ची हमारी बच्ची क्या हुआ तेरह साल दस महीने तेरह साल ग्यारह महीने की बच्ची थी हमारी तीन दिनों का के गायब हो गए हम पुलिस के पास गए उन्होंने कहा यहाँ तो सियासी पार्टी का जलसा हो रहा है हम वो जलसा देखें तेरी बच्ची ढूंढें मैंने उनकी फैमिली से बोला भाई आपने हर तरह की अरे रहे हाँ देखो पर्चा कटवाया भाई मैंने देखा हाँ भाई पक्का पर्चा कटा हुआ है तो मैंने कार्रवाई किया नहीं कुछ भी नहीं शुरू किया अच्छा मैंने देखिए मैं वीडियो बनाऊंगा हमारी रीच अलग है हर तरफ से आवाज उठेगी पूरी सिविल सोसाइटी हरकत में आएगी सारे सोशल एक्टिविस्ट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जेडीसी ने अपने सोशल वर्क से पाकिस्तान में लाखों सोशल वर्कर वैसे तैयार कर दिए हम तो हर काम देते करते हैं और लोगों को दिखाते हैं सिखाते हैं यह नहीं कर, दिखाते किसकी मदद की है लेकिन उनको सिखाते हैं कि भाई देखो पंद्रह रुपए से भी मदद हो सकती है किसी की जिंदगी में तब्दीली आ सकती है तुम्हारे पुराने जूते जिसमें सुराख नहीं हुआ है लेकिन पुराने हो गए या छोटे हो गए वो भी किसी ऐसे शख्स के जो बेचारा टूटी हुई चप्पल पहन के आ रहा है उसकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है तो लोग कहते हैं हाँ बात तो सही कर रहे हैं हम सब मिलकर दोस्त ये करते हैं जमा करते हैं और लोगों को देते हैं तो इससे फायदा किसका हो रहा है लोगों का फायदा हो रहा है ना हमने तो इतने लोग तैयार कर दिया जब उस फैमिली ने आके बोला कि जफर भाई ऐसा ऐसा हो गया हमारे लिए वीडियो बना दे रो रही है माँ रो रही है खाला रो रही है बाप रो रहा है मेरी जवान बेटी मेरी जवान बेटी घर के बात मैंने उनके साथ एक सबके हाँ। आप सब नाम लिए मैंने वजीर आजम साहब आर्मी चीफ साहब सबको मैंने उनकी फरियाद जो थी वो मैंने सुना दी और वहाँ से वो मामला उठा अरे वो वीडियो एक रात में कोई दो लाख और दूसरे दिन वो चार लाख और तीसरे दिन वो पंद्रह लाख शेयर हो गई वो एक पूरे

अरे मैंने कहा ये कौन सा तरीका है किसी की बारह साल की बेटी को घर से ले जाओ उठा के और उसकी तस्वीरें आज मैंने देखा किसी ने तस्वीर डाली थी कि वो मुझे नहीं मालूम हो सकता किसी ने एडिट की कि पाँव था उस पर कोई सर रख के लेटा हुआ था मैंने कहा या दिन भी देखने थे ये किधर जा रहा है मामला किस तरफ जा रहा है माशरा लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि यार देखिए मेरा काम था एक

नेट पर किसी के लिए नहीं होंगे पूरा पाकिस्तान में पता नहीं क्यों मेरे को मरवाने की तैयारी हो रही है क्यों मेरी सिक्योरिटी वापस ली मुझे मालूम ही नहीं है बात और ना मैं जानना चाहता हूँ ले ली ले ली तुम्हारी मर्जी होगी भाई लेकिन बात यह हमें इन कॉन्ट्रोवर्सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारा काम है यार हम सुबह आपको यहाँ काम करते हुए मिलेंगे दिन को यहाँ मिलेंगे रात को यहाँ मिलेंगे हमें इनसे फर्क ही नहीं पड़ता हम तो बहुत लोड है पहले यार एक एक डायलिसिस सेंटर का अट्ठारह से बीस लाख रुपया खर्चा है डॉलर कहाँ चला गया अठारह लाख छत्तीस लाख में चला गया कौन देगा मरीज जब तक खबर में नहीं जाएगा डायलिसिस होगा उसका ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता जो पीर को मरीज आया हो बुध को दोबारा आएगा जो बुध को आया है वो जुम्मे को आएगा उसने तो मशीन पे लेटना है चार घंटे आप पैसे अरेंज कर लें जफर अब्बास साहब जिस डोनर को फोन कर रहे हैं भाई वो आप हर महीने सपोर्ट तुम्हें जफर हालात नजर नहीं आ रहे oh. नहीं नहीं अल्लाह बेहतर करेगा भाई आप आप आप, आप तक परेशान नहीं परेशान नहीं हो ओके बेटा जफर अभी दो तीन महीने बाद फोन करना भाई समझो हालात तुम्हारे आए सामने